हेलो गाइस, मैं हूं मानसी कौशल, आपके चैनल मिस्टर ट्री डील पे करती हूं आपका स्वागत। और आज आपके लिए लेकर आई हूं पार्क फेसिंग कोठी, जिसमें आप देख सकते हैं एक रो में आपकी कोठी बन रखी है 112 गज में, जिसमें आपको 3 BHK मिल जाएगा। अगर आप पार्क की बात करें तो 2 एकड़ से थोड़ा सा बड़ा ये पार्क मिल जाता है आपको, जिसमें आप अपने शाम के टाइम, सुबह के टाइम बैठ के कसरत वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। तो चलते हैं कोठी की तरफ। अगर सबसे पहले रोड की बात की जाए, जो आपको ये रोड है ये मिल जाती है, इंटरनल रोड आपको मिलती है 35 फीट वाइड की, और ये आ जाती है आपकी कोठी की एंट्रेंस। एलिवेशन वर्क देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मिल रहा है, जिसमें आपको मिरर का काम मिल रहा है, मिरर विंडोज़ का लुक आता है, और बीच में आपको फ्लावर वाला डिज़ाइन मिल जाता है। तो सबसे पहले ये आ जाता है आपका पोर्च का एरिया, जिसमें आपकी एक कार पार्क हो जाएगी, यहाँ पर आपके 2 व्हीलर्स वगैरह पार्क हो जाएंगे। यहाँ से चलते हैं अब हम अंदर की तरफ। एंट्रेंस करने से पहले मैं आपको कनेक्टिविटी के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ पर जो हम खड़े हैं जिस लोकेशन पर, सोसाइटी के अंदर, ये सेक्टर 10 डेराबसी के अंदर आता है। यहाँ से जीरकपुर जो है वो आपका 20 मिनट की ड्राइव पर रहेगा, और वहाँ से आगे आपका PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, पंचकूला और मोहाली दोनों की एक्सेस मिल जाती है। तो चलिए फिर यहाँ से चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये आ जाता है आपका एंट्रेंस। एंट्रेंस में आपको सबसे पहले मिलता है आपका कॉमन वॉशरूम 6x5 का, जिसमें हाफ टाइल्स वगैरह लग रखी हैं, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस मिल जाती है, खिड़की लग रखी है वेंटिलेशन के लिए। यहाँ से आपका आता है गेस्ट एरिया, यहाँ पर आप आराम से 6 सीटर सोफा लगा सकते हैं, और साथ में ये पीछे आ जाती है आपकी फिर से खिड़कियाँ, वेंटिलेशन की स्पेस। जैसे आप देख रहे हैं अभी लाइट का काम नहीं है, लेकिन सनलाइट जो है ना बाहर से वो पूरी आ रही है, रोशनी वगैरह जो है वो पूरी बनी हुई है इस घर के अंदर। और ये आ जाता है आपका टीवी पैनल की स्पेस, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लार्ज आपको टीवी पैनल की स्पेस मिल रही है। इस साइड आप डाइनिंग एरिया के पर्पज से इसको यूज़ कर सकते हैं, और साथ में आ जाती है सामने वाली साइड आपकी मॉड्यूलर किचन। तो ये है आपकी मॉड्यूलर किचन। अगर इसके डिमेंशन की बात की जाए, 10x8 का आपको साइज मिल जाता है, ग्रेनाइट का वर्क कर रखा है स्लैब वगैरह पर। आपको अपर कैबिनेट मिल जाती है और साथ में लोअर कैबिनेट मिल जाती है, जिसमें आपको इस किचन में काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाएगी। साथ में आप देख रहे हैं कुछ सामान जो है अभी फिटिंग का रहता है, पेंडिंग है, तो वो आपके आने से पहले पहले हो जाएगा, मतलब विद इन 2 or 3 days में जो बाकी पेंडिंग काम है वो भी हो जाएगा। अब ये आ जाता है हमारा रूम, जिसमें आप सबसे पहले देखिए ऊपर की तरफ से आपको पूरी फुल हाइट वार्डरोब्स मिल रहे हैं, स्लाइडिंग वार्डरोब है, देख सकते हैं आप, जिसमें आपको स्पेस की कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। साथ में फॉल सीलिंग पर नज़र मारिए, आपको सारी जगह पर AC का प्रोविज़न, गेजर का प्रोविज़न वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरफ आपके आता है आपका ड्रेसिंग, इसको एज ए आप ड्रेसिंग के लिए बनाना चाहते हैं वैसे भी बना सकते हैं, अगर मंदिर वगैरह की स्पेस बनाना चाहते हैं तो उसकी चीज़ के लिए भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपकी आ जाती है बाहर की तरफ बालकनी, जिसमें आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी ज़्यादा धूप आ रही है। वॉशिंग एरिया के पर्पज़ से आप इस चीज़ को, ये वाली स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से चलते हैं हम अपने दूसरे रूम की तरफ। पूरे घर में आपको फ्लोरिंग जो है केजारिया टाइल्स की मिल रही है, एशियन पेंट मिल रहा है, और साथ में जो सारे के सारे डोर हैं वुडन डोर्स लग रहे हैं विद डिज़ाइनिंग मिल रहे हैं। ये हमारा है सेकेंड रूम, जिसकी डिमेंशन जो है 12x10 की डिमेंशन मिल जाती है। फिर से आपको यहाँ पर वुडन वर्क जो है के साथ आपकी अलमीरा मिल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं फुल हाइट अलमीरा वार्डरोब, जिसमें आपको स्लाइडिंग वार्डरोब है रहने वाले हैं आपके, काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस मिल जाती है अपना सामान वगैरह रखने के लिए। और इस रूम में आपको फिर से वेंटिलेशन के लिए आपकी खिड़कियाँ वगैरह आ जाती हैं यहाँ पर। और ये है आपका अटैच वॉशरूम 5x6 का, इसका डिमेंशन रहेगा, हाफ टाइल्स लग रखी हैं, और प्रोविज़न मिल रही है आपको गीज़र वगैरह के लिए, सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अब हम चलते हैं फिर से बाहर की तरफ। फॉल सीलिंग पर आप नज़र मार सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आपको मिल रही है फॉल सीलिंग, POP वर्क के साथ डिज़ाइनिंग, आपको लाइट्स वगैरह मिल रही है। और अगर प्राइस की बात की जाए यहाँ पर, तो 45 लाख में आपकी इंडिपेंडेंट कोठी 3 BHK में आपको मिल रही है। प्राइस काफ़ी ज़्यादा जेन्युइन है, पार्क फेसिंग आपको मिल रही है कोठी, सबसे बड़ी बात। यहाँ से अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ, जो हमारा एक रूम रह गया, देखना चलिए मारते हैं नज़र वहाँ पर भी फटाफट। तो यहाँ से अब हम जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले तो आपकी यहाँ पर ही आ जाती है वेंटिलेशन के लिए फिर से स्पेस, खिड़कियाँ लग रखी हैं, मिरर वर्क, स्टेयर केस आपको लगवा कर दिए जाएंगे। ये आ जाता है बाहर का व्यू, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लोगों ने इंडिपेंडेंट कोठीज़ वगैरह अपनी बना रखी है। ये आपका आ जाता है रूफ का एरिया, रूफ के एरिया के सामने वाली साइड ही आपका आ जाता है थर्ड बेडरूम।
तो ये है आपका थर्ड बेडरूम, टॉप फ्लोर बेडरूम, जिसमें आप स्पेस देख सकते हैं, काफी ज्यादा आपको स्पेस मिल रही है। डिमेंशन की अगर बात की जाए, 12x14 का इसका डिमेंशन रहने वाला है। पीओपी ऊपर फॉल सीलिंग जो है, पीओपी हो रखी है, फॉल सीलिंग पर आप नजर मार सकते हैं, काफी बढ़िया डिजाइन वाली फॉल सीलिंग कर रखी है। वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ से फिर से मिल जाती है आपकी खिड़कियां विद मिरर लुक के साथ, बाहर का आप नज़ारा देख सकते हैं। सोसाइटी में आप देखिए, सबसे पहले काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम अटैच वॉशरूम देख लेते हैं। यहाँ पर ये आ जाता है आपका अटैच वॉशरूम, 5x6 आपको हाफ टाइल्स का वर्क मिल रहा है। वेंटिलेशन के लिए आपकी खिड़कियाँ मिल रही हैं यहाँ पर पूरे घर में। मतलब ऐसी बात है कि सनलाइट जो रोशनी आने वाली है वो कहीं पर भी कम नहीं रहेगी। पूरे घर में अगर लाइट नहीं भी है ना, तब भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रोशनी है। अब चलते हैं फ्रंट बालकनी की तरफ। तो ये आ जाता है आपकी फ्रंट बालकनी का व्यू, जिसमें सबसे पहले आप बाहर देखिए कंस्ट्रक्शन का काम कोठियों का चल रहा है। सारी की सारी इंडिपेंडेंट कोठियां बन रही हैं और वहां तक आप नजर मारिए मेरी राइट हैंड साइड पर काफी ज्यादा पॉपुलेशन आप देख सकते हैं, रिहाइश देख सकते हैं कि लोग सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। आपको इस सोसाइटी के अंदर 4 गेट मिल जाते हैं, 4 गेटेड सोसाइटी रहेगी, सिक्योरिटी गार्ड का साथ में सीटिंग रहेगी। पार्क देख सकते हैं, काफी ब्यूटीफुली ढंग से मेंटेन कर रखा है इस पार्क को। और यहाँ पर आपका ग्लास का वर्क रहेगा, ग्लास प्लस रेलिंग का काम आ जाएगा ये फ्रंट वाली साइड से, जिससे आपकी सिक्योरिटी का भी थोड़ा ध्यान रखा गया है, ये लग जाएगा। और काफी ज्यादा बाहर से आप देखेंगे एलिवेशन और ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लगेगी। और बाकी अगर मैं आपको बताऊं लोन प्रोसीजर की, 80-90% तक आपको लोन करवा कर दिया जाएगा, 10% की आपकी पेमेंट रहेगी। और लोन की प्रोसीजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास फास्ट है, जिसमें आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म तक वेट नहीं करना पड़ेगा। और साथ में अगर आप डेरा बसी में कोई भी इन्वेंट्री देख रहे हैं, अपने लिए फ्लैट देख रहे हैं या फिर इंडिपेंडेंट कोठी देख रहे हैं, डुप्लेक्स देख रहे हैं 3BHK में 2BHK पे, तो दिए गए नंबर पर कॉल जरूर कीजिए और जानकारी हासिल कीजिए।